जनपद बहराइच के जरवल में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना की विशेष वीडियो रिपोर्ट को आप देख रहे हैं एकलव डिग्री कॉलेज से, जहां पे वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक संजय कुमार यहां पर मतदान अभिकर्ताओं को अपने कक्षों में जाने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु धनश्री का यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको गैलरी में भी दिखा देता हूँ, लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मतगणना का काम चल रहा है। शिवराजा नसीम के बीच करारी टक्कर है दोस्तों। और अब आप आगे तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर महेश कुमार कैथल SDM कैसरगंज व अल्पिका वर्मा नायब तहसीलदार यहाँ पहुंची हुई है। आशाराम वर्मा खंड विकास अधिकारी से वो वार्ता करके मतगणना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप ये सभी तस्वीरें एकलव डिग्री कॉलेज से देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर मतगणना का काम तेजी के साथ चल रहा है। और यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं SDM बाहर जाते हुए, साथ में नायब तहसीलदार अल्पिका वर्मा। और अब आप देख रहे हैं दूसरी तरफ शिव राजा पत्नी राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर वो जीत चुकी है। नसीम अहमद को उन्होंने पराजित किया है 9 वोटों से। और यहाँ पर आरोप उन्हें यहाँ पर प्रमाण पत्र दे रहे, साथ में सुरेंद्र कुमार वर्मा प्रधान प्रतिनिधि भी यहाँ इस मौके पर मौजूद है। और अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं इमरान अहमद प्रधान मनेरा भी विजयी हो चुके हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र प्रसाद को पटकनी दी। आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं इमरान अहमद ने कहा कि विकास की गंगा बहाने में वो मनेरा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और मनेरा के सभी आम जनता को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। अब आपको मैं ले चल रहा हूँ, आप देख रहे तस्वीरों में ग्राम पंचायत परसोहल से सबीना पति तौहीद यहाँ पर विजयी घोषित किए गए हैं। उन्होंने ब्लॉक में दूसरा स्थान हासिल किया है और 303 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है नकुल दुबे को उन्होंने पराजित किया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर वो गांव की विकास की बात कर रहे हैं, गांव के लोगों को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया मतदान करने हेतु तो विजय बनाने हेतु तो। अब मैं आपको तस्वीरों में ले चल रहा हूँ, अजमत अली यहाँ से विजयी है, इनकी धर्म पत्नी रोशनी जो यहाँ पर काफी वोटों से भी वो भी विजयी हुई है। और ग्राम पंचायत जतौरा से ये प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे अजमत अली ने कहा कि मैं पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं समर्थक सुरेश कुमार शुक्ला समाज सेवी ने कहा कि गाँव के सभी मतदाताओं को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं द्वारका प्रसाद राव प्रधान करने डीहा विजयी घोषित किए गए, जो दूसरी बार प्रधान पुनः बनाए गए हैं। इनके सुपुत्र आप देख रहे हैं राम मनोरथ राव प्रधान प्रतिनिधि करने डीहा ने हाथ जोड़ करके गांव करने डीहा के सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। और इनका कहना है कि गांव के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। और दिल से इन्होंने कर्नाटिया के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है राम मनोहर राव प्रधान प्रतिनिधि कर्नाटिया। और अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं ये मतगणना की विशेष वीडियो रिपोर्ट को आप देख रहे हैं एकलव डिग्री कॉलेज से। और अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं यहाँ पर रजब अली विजयी ग्राम पंचायत दिंदीपुर प्रधान सारी भी यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जो समर्थक है। और अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको प्रधान की विजयी की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं शाहीन फातिमा प्रधान उपधि विजयी घोषित, पति अब्बास अहमद यहाँ पर इन्होंने मीनू को पटकनी दी है दोस्तों। अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं मैका प्रधान लखवा पूर्व बहरेचा विजयी घोषित की गई। और यहाँ पर तेजी के साथ प्रक्रिया चल रही है, उनसे यहाँ पर हस्ताक्षर के उपरांत यहाँ पर प्रमाण पत्र देने के काम तेजी के साथ किया जाएगा दोस्तों, किया जा रहा भी है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त मैका प्रधान लखवापुर बहरेचा जो विजयी घोषित की गई हैं प्रधान प्रत्याशी के रूप में, ये सभी वीडियो आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव मतगणना वीडियो की विशेष वीडियो रिपोर्ट को देख रहे हैं यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल से